हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हाई पेइंग जॉब्स आफ्टर एमबीए, यानी कि एमबीए करने के बाद कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जहां पे आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड होती है। पहली बात करते हैं ब्रांड मैनेजर। ब्रांड मैनेजर का मतलब होता है जो जिस कंपनी में आप लगे हुए हैं और उसके ब्रांड को आप मार्केटिंग के द्वारा, आप सेल्स के द्वारा जो है प्रमोट करते हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है, तो इसमें आपका जो आपका ब्रांड है वो आगे तक बढ़ेगा और एक ब्रांड मैनेजर का ही वो मेन रोल होता है कि वो अपनी कंपनी को आगे तक ले जा सके। फिर का बात करते हैं रिसर्च मैनेजर। आफ्टर मार्केटिंग रिसर्च, जो रिसर्च मैनेजर होता है वो ये देखता है कि कंज्यूमर और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंटेशन और चेंजेस करता है जिसके द्वारा उसके प्रोडक्ट को और आगे सेल्स होती है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन उसकी बढ़ती है। तो ये रिसर्च मैनेजर का काम होता है कि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में उसको बहुत बखूबी तौर से उसको अपना रोल को निभाए। फिर बात करते हैं सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर का रोल ये होता है जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको बेचना, वो सेल्स मैनेजर का काम में आता है। वो जो सेल्स मार्केटिंग से एमबीए किए हुए कैंडिडेट्स होते हैं वो इसको बखूबी तौर से करते हैं। फिर हम बात करते हैं BDM। BDM का होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। BDM का वर्क ये होता है कि हम वो हर सेक्टर में देखता है, सेल्स मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, ब्रांड, हर रूप में देखता है। मतलब वो देखता है हम कैसे बिजनेस को डेवलप कर सकें, कैसे हम कस्टमर की नीड को पूरा फुलफिल कर सकें जिससे कि हमारा बिजनेस डेवलपमेंट और हो। फिर बात करते हैं अकाउंट्स मैनेजर की। अकाउंट्स मैनेजर हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है, जहाँ पे वो जो है अकाउंटिंग की मदद से जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस को बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कि मीडियम लेवल पे चल रही है, और हर कस्टमर का, हर एम्प्लॉय का जो है अपने पास पूरा इंफॉर्मेशन को रखता है। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है, ऑनलाइन प्रमोशन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये सारे जो पोस्ट हैं वो काफ़ी, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और MBA करने के बाद इन पोस्ट में अप्लाई करना काफ़ी ईजिली हो जाता है। तो इसलिए MBA डिग्री बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, जो कि हाई प्रोफाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।